नोएडा सेक्टर 62 चलते हैं। सोनल मेरी सहयोगी वहां से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ी है। सोनल, चंद घंटों की बारिश और उसके बाद नोएडा की सारी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं कैसे हालात वहां पर बारिश के बाद पैदा हो गए? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कि पहले यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, लेकिन नाले के थ्रू ये पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बारिश के बाद आती है वो आती है ट्रैफिक। आप कैमरा पर्सन हेमंत को मैं कहूँगी कि वो ट्रैफिक की वो वीडियो दिखाए किस तरह से अब ट्रैफिक जाम लग गया है। सुबह सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं और इस ट्रैफिक के कारण उनके लिए समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं बच्चे, बच्चों की स्कूल बस वहाँ से गुजर रही है जो कि परेशानी का सामना कर रही है। लेकिन इससे पहले पानी यहाँ पर बहुत भरा हुआ था, लगातार पानी गाड़ी की टायर तक भरा हुआ था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ पानी उस नाले के सहारे से उस नाले में तब्दील हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है जब बारिश हो रही होती है, और बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं कैसी लंबी लंबी कतारें लाइनों की लग गई है। ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ऑफिस के लिए लोग लेट हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं इस समय, क्योंकि टाइम इस समय मैं आपको बता दूं तो 8:15 हो रहे हैं और ये ऑफिस का पीक आवर माना जाता है। और इस कारण जब यहाँ पर ये समस्या खड़ी हो रही है तो ये जाहिर सी बात है कि बारिश एक आफत बन चुकी है सारे नोएडा वासियों के लिए, सारे दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि बारिश के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी यहाँ से बाइक सवार भी जा रहे हैं, साइकिल सवार भी जा रहे हैं, और कुछ देर पहले जब यहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी तो साइकिल वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, बाइक वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि फुटपाथ तक पानी भर गया था। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, पीछे अक्षरधाम पड़ता है, तो अक्षरधाम से जो लोग ऑफिस के लिए आ रहे हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे बस भी यहाँ मौजूद है, साइकिल वाले फुटपाथ का सहारा ले रहे हैं ताकि पानी से बचा जा सके। लेकिन पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है जो कि इस नाले में तब्दील हो रहा है एक पाइप के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैं फिर कहना चाहूँगी ट्रैफिक, जो कि आप पीछे देख सकते हैं, हेमंत आपको कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह पीछे लंबी लंबी लाइनों की कतार लग रही है, गाड़ियों की आप कतार देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिस का सबसे ज्यादा पीक आर है और लगातार। और सोनल, ये तस्वीरें देखकर पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जाम की समस्या वैसे भी बहुत बड़ी है और बारिश के समय ये समस्या और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। मैं लौटती हूँ आपके पास। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।